खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में, आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलेन सोली। पीपी रोड पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट बक्सर मिल रहा अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। बक्सर के ब्रह्मपुर स्थित बाबा परमेश्वर नाथ धाम का होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से किया कई योजनाओं का शिलान्यास। बदल जाएगा बक्सर के ब्रह्मपुर स्टेशन का नाम, ब्रह्मेश्वर धाम के नाम पर स्टेशन का नामकरण करने को लेकर मुख्यमंत्री ने लिखा केंद्र सरकार को पत्र। सावन में बाबा के भक्तों का उत्साह चरम पर, भोला दर्शन के लिए बक्सर से भी भारी संख्या में ट्रेनों से बम हुए रवाना। और 4 लेन के जमीन अधिग्रहण मामले में अब तक मुआवजा नहीं मिलने से लोग परेशान, विभाग के कार्यशैली पर उठाए सवाल, दिया धरना। बक्सर के ब्रह्मपुर स्थित बाबा परमेश्वर नाथ धाम के कायाकल्प को लेकर अब पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसके बाद अब बक्सर का ब्रह्मेश्वर नाथ धाम पर्यटन के रूप में विकसित होगा। पर्यटन विभाग के द्वारा लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि आवंटन किए जाने के बाद यह विकास का काम किया जाना है। इन विकास योजनाओं में मंदिर प्रांगण में स्थित तालाब का जीर्णोद्धार के अलावा आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर कई ऐसी चीजों का निर्माण किया जाना है, ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से इस जगह को और बढ़ावा मिल सके। सरकार द्वारा की गई इस पहल के बाद मंदिर समिति से जुड़े लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। प्राचीन मंदिर है, समझ नहीं आया, काफी दिनों से उपेक्षित था, आज हुआ, क्या करेंगे। मुख्यमंत्री जी की सेवा से आता है, हम लोग तो बहुत सारा अनुरोध करते रहते हैं, हमारा ही कृपा हो कि पौराणिक प्रसिद्धि के बारे शुरू करते हैं, ऐतिहासिक किंवदंतियां भी हैं इसके बारे में, तौरंगे आए सब लगाए गए बाबा में शक्ति है, दरवाजा पूरा से पश्चिम है, दरवाजा पश्चिम हो गए मंदिर है, उसका दरवाजा पश्चिम है, तो कई तरह से महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ का गौरव होगा, बाबा जीता होगा, हम सभी का भी इसका लाभ। बक्सर के ब्रह्मपुर स्टेशन का नाम बदलकर बाबा परमेश्वर नाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। दरअसल यह बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस वक्त कही जब वे बाबा परमेश्वर नाथ धाम के विकास योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार से बक्सर से सटे रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलकर बाबा परमेश्वर नाथ धाम करने की सिफारिश की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा है कि बक्सर जिला अंतर्गत ब्रह्मपुर शिव मंदिर काफी प्राचीन है, इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग के द्वारा जारी की गई राशि को खर्च कर इस जगह को और विकसित और भव्य बनाया जाएगा। इसका नाम बाबा परमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन के रूप में किया गया। हमने भी देखा है और यहाँ से बाजाप्ता राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट केंद्र में भेज देंगे हम लोग, इस डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट को, तो हम उस समय श्रद्धेय अटल जी के संपर्क में हम भी रहे मंत्री, तो यहाँ से चला जाएगा तो उसको पूरा भरोसा है और केंद्रीय मंत्री जी से भी बात हम लोग कर लेंगे कि ताकि इसका नामकरण लोग कर दें, ये बड़ी खुशी की बात होगी। ये सब बात तो है और आप लोगों को तो मालूम है कि यहाँ पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोगों ने 2016 में ही बिहार मंदिर चार दीवारी निर्माण योजना की शुरुआत की।
सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सावन का महीना चल रहा है और भक्त उत्साहित हैं और बाबा के दर्शन को लेकर लगातार रवाना भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में बक्सर रेलवे स्टेशन पर बोल बम के नारे के साथ श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। गौरतलब है कि ट्रेनों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु बोल बम के जयकारा लगाते हुए बाबा दर्शन के लिए निकल रहे हैं, जिसके कारण इन दिनों हर तरफ भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। भोलेनाथ के जयकारे और बाबा के दर्शन के अभिलाषी भक्तों का उत्साह चरम पर है। एक बम ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से बाबा धाम जाते हैं और वहां बाबा पर जल अर्पित कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। इस साल भी अपने कई साथियों के साथ वह बाबा धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप लोग? बक्सर से सुल्तानगंज जाएगा, सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर जाएंगे। कितने साल लगातार हो गया? ये हमारा चौथा साल है। चौथा साल कोरोना का वजह से दो साल नहीं हम लोग जा। अच्छा, तो अभी अभी कितने की संख्या में आप लोग जा रहे हैं एक साथ? दस बम है एक साथ जा रहे हैं। बक्सर के गंगा नदी का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गंगा नदी के बीचों बीच फंसा एक शख्स डूबने से बचने को लेकर जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई परेशान है कि आखिर अगले पल क्या होने वाला है। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह शख्स कौन है और गंगा के बीच लहरों में यह कैसे पहुंचा। लोगों के लिए मन में यह सवाल अब खड़ा हो गया था कि शख्स का अंजाम क्या होगा। काफी दूर होने के कारण उसे बचाने की कोशिश भी लोगों के लिए बेकार साबित हो रही थी। ऐसे में सांसें थाम कर लोगों के पास इस मंजर को देखने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि बाद में पता चला कि गंगा की लहरों के बीच लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार वह शख्स गंगा नदी पार कर गया और दूसरी छोर पर सही सलामत निकल गया। हालांकि वह शख्स कौन था और गंगा नदी में कैसे फंसा, इस बात की जानकारी अब तक किसी के पास नहीं है, लेकिन यह वीडियो अब लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। बक्सर के सारिमपुर में फोर लेन बनाने के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मामले में मालिकों का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर है। लोगों का आरोप है कि अभी तक उन्हें मुआवजा का पैसा नहीं मिला है, जिसके कारण भू अर्जन कार्यालय का चक्कर लगाकर लोग थक चुके हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए अब लोग धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। लोगों का आरोप है कि 6 महीने से अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जिससे जमीन और कई घर शामिल हैं। सारिमपुर पीड़ित परिवार के बैनर तले धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि पिछली जब मांग को लेकर सड़क जाम किया गया था, तब भूअर्जन कार्यालय के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और कुछ ही दिनों में मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई आगे तक नहीं बढ़ पाई है, जिसके कारण लोग परेशान हैं और लोगों का आरोप है कि अब तक लोगों को पैसा नहीं मिला है, जिसके कारण लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हो रही है। महंगाई के दौर में किराए पर रहना और परिवार का जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है, जबकि विभाग है कि मुआवजा देने के नाम पर रोज लोगों को कार्यालय का चक्कर कटवा रहा है। यही है कि अभी हम लोग का मुआवजा नहीं मिला है, करीब करीब 6 महीना हो गया है, 43 घर करीब करीब है, और ये खाता नंबर प्लॉट नंबर देख लीजिए, ये सारे पैसा भी बाकी है, किराया पर घर भी हम लोग को नहीं मिल रहा है, बरसात का टाइम है, हम लोग कहाँ रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है। जिला देखिए, इससे पहले जब रोड जाम हुआ था तो उस वक्त भूअर्जन अधिकारी और बक्सर जिले के प्रशासन यहाँ पर आई थी रोड जाम होने के बाद, तो कहा गया था कि आपको 15 दिनों के अंदर पेमेंट कर दिया गया, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को भूअर्जन में दौड़ते दौड़ते ना जूते जो है ना टूट चुके हैं, लोग थक चुके हैं, और इधर पैसा नहीं मिला और इधर इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि लोग किराए पर रहने से मजबूर हो गए हैं कि रहें कहाँ।